नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको माता पांडरीपाठ देवी का दर्शन कराते हैं। यह मार्ग माता पांडरीपाठ मंदिर की ओर जाता है। उसके पहले हम कुछ आपको मुख्य जानकारी देते हैं। जी हां, लांजी मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लांजी से खैरागढ़ छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग पर ग्राम वारी के लिए मुख्य द्वार है, जहां से मार्ग से होते हुए ग्राम वारी पहुँचते हैं। ग्राम वारी से करीब 1 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर माता पांडरीपाठ देवी का दिव्य स्वरूप मंदिर है, जहां श्रद्धालु प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पहुँचते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हम लंबी यात्रा कर पहुंच ही गए माँ पांडरीपाठ देवी स्थान। आप इस वक्त देख रहे हैं कि माँ पांडरीपाठ देवी मंदिर वारी बहुत ही आनंदमय माहौल है और श्रद्धालु जो यहाँ पर बहुत ही भारी जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। जहाँ एक और नहर जो है बहती हुई है, वहीं ऊंची पहाड़ी पर माँ पांडरीपाठ माता मंदिर है। हम आपको आगे की और अपडेट बताते हैं, हमारे साथ बने रहिए। चलो आइए, हम आपको ये नज़ारा माता पांडरीपाठ माता मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन भी भीड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर कलगल करते झरना भी बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को देखें। और आपको बता दें कि ये सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग हैं। ये कलकल करता हुआ एक झरना है जो ऊपर भगवान शंकर की पिंडी से निकलती हुई धार भक्तों का मनो लुभा लेती है। बहुत ही मनोरम दृश्य है, आप भी कभी माता रानी के दर्शन करने आइए। और यही मंदिर के राइट छोर पर बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य जो है, ये एक डैम का है जिसे हम वारी डैम कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना भारी जनसैलाब एक नवरात्रि पावन पर्व पर भक्तों का लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर दर्शन करने जाते हैं, उसके पश्चात एक नीचे छोटा सा मंदिर है जहां पर भैरव बाबा की प्रतिमा स्थापित है। वहां भक्तजन बहुत ही आस्था के साथ पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही मनोरम दृश्य है। देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है आज नवरात्रि के पावन पर्व पर देखने को मिल रहा है। भव्य मंदिर और लांजी का सुप्रसिद्ध माता पांडरीपाठ मंदिर है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। उसी के साथ में यहाँ पर श्रद्धालु के बहुत ही एक वाटर फॉल लगाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु इसे मनमोह हो रहे हैं। इसके साथ में देख सकते हैं कि आप नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको, श्रद्धालु की बहुत तादाद है नवरात्रि पर्व पर। जस्ट उसी के बीच में, पहाड़ी के बीच में स्थित एक हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पर भी श्रद्धालु जो है आस्था के साथ पूजा पाठ करते दिख रहे हैं।
ये उसी के साथ आप देख सकते हैं माँ पांडरीपाट समिति के द्वारा भव्य रूप से भक्तों के लिए एक शिव शंकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां पर उनके पिंडी से पानी निकलता हुआ दृश्य दिखाई दिया जा रहा है। ये आस्था का प्रतीक है, देख सकते हैं। माता रानी के दर्शन करने हम कुछ सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। यहाँ पर भक्तों की काफी जनसंख्या दिखने को मिल रही है, जहाँ लग रहा है कि मानो सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग आए हुए हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पायरियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब माता पांडरीपाट के दर्शन होंगे। भव्य मंदिर है पांडरीपाट, माता पांडरीपाट का मंदिर। अब कुछ ही क्षणों में हम माता के दर्शन करेंगे और श्रद्धालुओं के देख सकते हैं बहुत तादाद है। नवरात्रि पर्व के पंचमी के दिन भक्तों की सैकड़ों की संख्या में तादाद दिखाई दी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया तो ऊपर का नज़ारा देखते ही मन व्याकुल हो उठा। हम आपको बता दें कि हम तो मंदिर के करीब तक पहुंच गए, पर कुछ खास चर्चा हम आपको बताते हैं। जहां कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर के नीचे की ओर विशालकाय खराड़ी वारी जलाशय दिखाई दिया, वहीं शंकर जी की जटा से गंगा जी प्रभावित धारा भी दिखाई पड़ी, जहाँ भक्त आस्था का केंद्र बना हुआ था और भक्त जनों शंकर भगवान को पूछते हुए आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए झरना का स्वरूप दिखाई दिया, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दिया, जिसके बाद सीढ़ियों के चढ़ने के बाद एक ओर भैरवनाथ जी का मंदिर तो दूसरी ओर वीर बजरंगी महावीर का मंदिर है, जहां भक्तों की भीड़ देखते ही बनती थी। कुछ सीढ़ियां चढ़ते गए जहां भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां हम भी कुछ देर माता के दर्शन करने को लेकर कतार में रहे। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही पुजारी रेखलाल कावरे में माँ पांडरीपाट का भव्य स्वरूप दिखाई दिया। एक ओर भजन मंडली के द्वारा जस गीत गा रहे थे तो दूसरी ओर माँ का स्वरूप पुजारी में देखने को मिला। आप देख सकती है कि भक्त का जो है माता स्वरूप दिखा गया है। वो घड़ी भी आ गई जब माँ पांडरीपाट के दर्शन होंगे। हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए और माता के दर्शन के बस कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। माँ पांडरीपाट परिसर में एक हम प्यारा सा तोते का दर्शन कराते हैं।
माँ के दर्शन के पश्चात हम आपको गौशाला की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ खास जानकारी बताते हैं। बताया जाता है कि वारी गांव के पास वारी खराड़ी जलाशय में सालों पहले माँ पांडरीपाट की मूर्ति प्रकट हुई थी। मूर्ति को पहाड़ी पर मंदिर बनाकर स्थापना किए जाने के बाद से जलाशय का निर्माण पूरा हो पाया था। वहीं यह भी बताया गया है कि यह मंदिर को स्थापित हुए लगभग 60 से 62 वर्ष हो चुके हैं। खराड़ी बांध का निर्माण किया जाता जा रहा था, तब बांध के सब इंजीनियर द्वारा 1960-62 के दशक में यहां माता जी की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद से निरंतर माता जी की पूजा अर्चना की जा रही है। खास बात तो यह है कि सिद्धपाठ मंदिर परिसर में दान किए पालतू मवेशियों के नाम भी देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इस बार शारदेय नवरात्रि में ज्योति कलश की स्थापना की गई है। यहां पर शारदेय व चैत्र नवरात्र में 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। समिति बताती है कि लोगों की आस्था के चलते सब कुछ संभव हो पाया है। अब हम गौशाला की ओर पहुँच ही गए, जहाँ पर खरगोश बहुत ही सुंदर दिखाई दिए। यह पिंजरे में बंद है। श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई गायों व बछड़ों को मंदिर समिति के द्वारा रखा गया है, जहां गौ सेवक सुबह शाम गायों को चारा पानी खिलाने सेवा करने पहुंचते हैं। गौशाला में गौ माता सुशीला, सिद्धि, सुभद्रा, कपिल, रमा, भवानी, गंगा, कपिला, नर्मदा, ताप्ती, गौरा, गणेश, गणेशी, मंगला, मोहिनी, अन्नपूर्णा, गोदावरी, गोमती, उमा, श्याम, भागीरथ, सुमना, शोमजी, पद्मा, गोमत्री, गंगोत्री, कावेरी, बलराम, जमुना, गोपाल, नंदा, नैना व एक नंदी महाराज भी है। इनके नामकरण समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया है। माता पांडरीपाट मंदिर की कुछ खास बातें भी हम आपको बताते हैं। जलाशय के किनारे पहाड़ी पर बनी मंदिर विशालकाय कलश कक्ष, सभागार, मंदिर गुंबद, सीढ़ियों किनारे बने भैरव व हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा रसोई मंदिर, कबूतर रहवास, खरगोश घर, सुंदर पक्षी घर, सफेद चूहा घर आदि मंदिर की भव्यता को पूर्णता की ओर अग्रसर और निखारते जा रहा है। अब हम माता के दर्शन के पश्चात नीचे की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें।
पांड्रीपाट मंदिर के नीचे की ओर विशाल का जलाशय। माता पांड्रीपाट मंदिर के नीचे की ओर जलाशय की पार की एक छोर पर माता रानी की छोटी प्रतिमा स्थापित है, जहां पर ज्वारा भी स्थापना किया गया है। वहां पर भी भक्त लोग अपनी आस्था पूर्वक माता को पूजन अर्चन करते दिखाई दिए। वहीं मंदिर से माता पांड्रीपाट की भव्य मंदिर का नज़ारा। श्रद्धालुगण आते हैं तो बोट का भी आनंद लेते हैं। देखिए कैसे बोट का आनंद श्रद्धालु ले रहे हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।